इस शीट के अंदर लेंस के अंदर ये बता रखा है कि लेंस की रेज फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होती हैं, हमारा जो आई का लेंस है वो रेटिना पे कन्वर्ज करता है, ये भी हमें मालूम है। इसमें मिरर के बारे में बता रखा है, हम मिरर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें नहीं करना प्लेन मिरर्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने किया हुआ है, अगर एक मिरर को थीटा एंगल घुमाएंगे तो उसकी इमेज 2 थीटा घूमेगी, ये हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किया, ये इसने बताया हुआ है, हमने नहीं करना। एक शॉर्टकट रिजल्ट है, अगर सपोज करो, ये अंडरलाइन कर लो इसे, मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर टू सी वंस फुल हाइट इन इट इज h/2। मतलब कि अगर मान लो कोई भी मैन है, उसकी हाइट है h, सामने मिरर है, वो मिरर की हाइट कम से कम क्या रखे कि फुल लेंथ अपने आप की उसमें देख सके, तो हाइट क्या होगी h/2। तो इसका प्रूफ नहीं करना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, h/2 हाइट का अगर मिरर होगा तो पूरी लेंथ वो देख पाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट को अंडरलाइन करो, द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इन अ मैन इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली एट मिडवे बिटवीन वॉल एंड द मिरर, और वो क्या देखना चाहता है, फुल हाइट ऑफ वॉल बिहाइंड हिम। मतलब अगर मान लो मैं मिड पॉइंट पे खड़ा हूँ, पीछे दीवार है आगे मिरर है और मैं मिड पॉइंट पे हूँ, तो मिरर की हाइट क्या हो कि मिरर के अंदर पूरी दीवार मुझे नजर आए पीछे की, तो आंसर होगा h/3। तो ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, एक h/2 और एक दीवार को देखना है तो h/3, अपने आप को देखना है तो h/2, ये 2 रिजल्ट्स को आप अंडरलाइन करें। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर कुछ लेंस के फॉर्मूलाज हैं, ये हमने किए हुए हैं लेंस के न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल इसमें ऐसा गिवन है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है और मिरर की हेल्प से इसकी इमेज बनानी है, तो आप इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ED को ऑब्जेक्ट मानेंगे, ED की इमेज निकालेंगे, ED की मैग्निफिकेशन से हाइट भी निकालेंगे, फिर उसके बाद आप AB को ऑब्जेक्ट मानेंगे, फिर इसकी इमेज का डिस्टेंस भी निकालेंगे, इसकी मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, और फिर 2 बार ये फॉर्मूला लगा के इसकी इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, आप इसको चेक करना होगा, ऐसे होमवर्क करना है इसे। तो आप पहले 2 ऑब्जेक्ट मानेंगे और 2 इमेजेस बनाएंगे, फिर उसकी इमेज बने, ऐसा कुछ इस टॉपिक में करना है। रिफ्रैक्शंस हमने की हुई हैं, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ये सब मैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सब हमने किया हुआ है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस शीट में करने वाला जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या मेथड है, इट इज अ मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ को निकाला जा सकता है। हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑलरेडी पहले भी मैंने हैंड रिटन शीट में करवाया हुआ है, जिसमें एक रिजल्ट करवाया था कि अगर एक कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो दूरी है वो कम से कम 4F होनी चाहिए। मैंने इसका क्वाड्रेटिक से सॉल्यूशन भी दिया था। तो कुछ ऐसा ही है, मान लो ये आपके पास एक लेंस है, इस लेंस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ यू, ये स्क्रीन है और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी डी है, तो लेंस और स्क्रीन के बीच में दूरी कितनी है, d-u है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें यू है और इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर d-u है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें लेंस का फॉर्मूला लगाएं, यू को पुट करें -u, इमेज को पुट करें d-u, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है, ये हैंड रिटन शीट में सेम प्रूफ किया हुआ है। फिर इसमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक निकालने यू में, तो यू के रूट्स निकलेंगे, यू की ये सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आप एक केस बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि यू की कोई वैल्यू पॉजिटिव आए तो ऐसे केस में डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4F, हमने किया था। तो अगर डी लेस देन 4F है फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा अंडर रूट में, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर डी 4F के इक्वल है तो यू की वैल्यू क्या आएगी 2F, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो कम से कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या होना चाहिए, 4F, ताकि आपका आंसर आ सके, रियल इमेज बन सके। और अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 4F हुआ डी का, अगर डी ग्रेटर देन 4F है, फिर यू के 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशंस पॉसिबल हैं कि स्क्रीन पे, उसी स्क्रीन पे इमेज ड्रॉ कर सके, तो ऑब्जेक्ट की U1 पोजीशन पर भी इमेज वहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट की U2 पोजीशन पर भी इमेज वहीं बनेगी। तो ऐसा ये केस है डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाँ, वो अलग बात है, जब आप ऑब्जेक्ट U1 लेंगे, स्क्रीन पे इमेज बनेगी, उसकी हाइट I1 बनेगी, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट U2 लेंगे, स्क्रीन पे इमेज वहीं बनेगी पर इमेज का साइज डिफरेंट होगा, I1 हो I2 होगा, तो साइज डिफर करेगा लेकिन इमेज का डिस्टेंस विल रिमेन
सेम। तो ये एक रिजल्ट है, इसको बॉक्स में डाल के याद करें ये रिजल्ट, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज ओ है और आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज किया जिसके अंदर आपके पास दो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की जहां पर सेम पॉइंट पर इमेज बनेगी, पहले जब आप यू वन यूज करेंगे इमेज आई वन बनेगी, यू टू यूज करेंगे इमेज आई टू बनेगी, तो ओ ऑब्जेक्ट का साइज और दो इमेजेस का साइज आई वन एंड आई टू में क्या रिलेशन होगा, ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू, इसे मार्क करें ऑब्जेक्टिव में सीधा ये यूज करेंगे, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक कोई नहीं करने वाला। हालांकि इसका प्रूफ भी गिवन है, इसमें प्रूफ में वो कहता है पहले यू वन पॉजिटिव रूट ले लो तो वी क्या आएगा डी माइनस यू वन, फिर यू टू नेगेटिव रूट ले लो वी टू क्या आएगा डी माइनस यू टू, तो यहां से यू वन आया वी वन आया यू टू आया वी टू आया। मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों की मैग्निफिकेशन को माइनस कर देंगे, वी वन यू वन वी टू यू टू चारों वैल्यूज ये हैं, यहां पुट करके आपके पास आंसर वन आएगा, सॉल्व करके आंसर। आपको प्रूफ नहीं करना, आपको बॉक्स में बस ये पुट कर लेना है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो प्रूफ नहीं करना आपने। दूसरा रिजल्ट इसमें ये बॉक्स में मार्क करें, ये इंपॉर्टेंट है, एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर डी। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो आप लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं वो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है ये फॉर्मूला फॉलो करेगी, वेयर डी का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस डी है, और एक्स का मतलब है अंडरलाइन कर लें डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द लेंस। टू पोजीशंस ऑफ द लेंस का मतलब है कि यू वन यू टू दोनों डिफरेंट थे, या तो आप लेंस की दो पोजीशंस ले लें या आप यू की दो पोजीशंस ले लें, बात एक ही है। तो इन शॉर्ट एक्स का मतलब यहां पर यू टू माइनस यू वन है, ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस हैं, उन ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन को माइनस करेंगे तो एक्स आएगा, तो आप एक्स पुट कर लें, डी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सीधा फोकल लेंथ आ जाएगी। तो इफ नीडेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें लेंस की दो पोजीशंस हैं और लेंस की दो पोजीशन पर रियल इमेज बनती है, लेंस की दो पोजीशन का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो एक्स यहां पर 2 सेंटीमीटर है, डी आपको गिवन होगा, फाइंड द फोकल लेंथ। तो आप इतनी बड़ी कहानी थोड़ा करेंगे क्वाड्रेटिक लगा के, आप सिंपल फोकल लेंथ निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला काम आ सकता है, इसको नोट कर लें प्लीज़।